नमस्कार सभी को, मैं उपेन जे एसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक नया सीरीज लेकर के आ गया हूँ जिसका नाम है झारखंड जीके क्रैश कोर्स, और ये टोटल का टोटल यूट्यूब पे फ्री होगा। और इसमें हम उन चीजों को कवर करेंगे जिसको याद करने में आपको काफी कठिनाई होती है, कि टॉलमी ने झारखंड को मुंडल बोला है, कुक्कुट प्रदेश बोला गया है किसने कहा है, आठवीं किसमें कहा गया है, ये सारे चीजें में हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। उससे क्वेश्चन या तो वो छोड़ देते हैं या तो उस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है। तो उन चीजों को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। तो जो भी हमारे एकदम टारगेट लिए हुए हैं कि सीजीएल एकदम निकालना ही निकालना है, तो इस क्रैश कोर्स को आप देख जाइए। और साथ में मैं यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाते हैं और मैं अपना हैंड रिटन नोट्स आपके लिए किस प्रकार तैयार करके लाया हूँ, वो सब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। और जितना भी सारा चीज याद करेंगे वो आप एक वीडियो बस देख लीजिए आप ये वाला, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो हमको देखना चाहिए, तो आप सीधे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक वीडियो मेरे कहने पे आप इसको देखिए, तो आपको क्या फायदा हो रहा आपको वो खुद नजर आएगा। ये मैं चीजें दे रहा हूँ वो बहुत बड़े बड़े पेड कोर्सेस में आपको नहीं मिलेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। और मुझे भरोसा है कि मैं जो मेहनत किया हूँ वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मोड़ा जरूर फ्रूटफुल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक से, झारखंड का नामकरण से। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, मैं खुद आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ ताकि चीजों को आसान बनाया जा सके। बुक्स हर जगह अवेलेबल है, नोट्स हर जगह अवेलेबल है। एक टीचर्स का काम यही रहता है कि आपको वो चीजें सीधे दिमाग में घुसा दे। बुक्स में तो सब जगह रहता है, जब तक दिमाग में नहीं जाएगा तब तक हम उसको पेन पेपर में या ओएमआर शीट में नहीं उकेर सकते हैं। तो वही चीज को मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ यहाँ पे। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। कैसे याद कराना ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको बस यहाँ पे देख जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे होंगे झारखंड का नामकरण, ये टॉपिक है और इसमें हम उन सभी चीजों को याद करेंगे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है, या तो वो क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं या तो उसको छोड़ करके आ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका 3 मार्क्स एकदम कन्फर्म हो गया। और इसमें मैं साथ में आपको MCQ भी कराऊंगा, है ना, MCQ भी मैं यहाँ पे कराऊंगा और वो सारे चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर होंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए और ये जो नोट्स रहेगा आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भागवत पुराण में। भागवत पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है, मैं यहाँ पर सीधे ये नहीं बोलूंगा इसको यहाँ पर ये बोला गया वहां पर ये बोला गया, तो आपको खुद भी पता है। इसको कैसे कनेक्ट करके याद करेंगे वो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले भागवत पुराण में बोला गया किक्कट प्रदेश, तो इसको याद करेंगे हम लोग इस तरह से कि टिकट लेकर भाग गया, टिकट लेकर भाग गया। तो टिकट से याद करेंगे किक्कट और भाग से याद करेंगे भागवत। तो आप जैसे ही ये चीज याद करेंगे कि अच्छा कोई मेरा गए थे कहीं मूवी देखने के लिए, मेरा टिकट लेकर के कोई भाग गया, तो टिकट लेकर भाग गया, तो किक्कट में आ जाएगा आपका भागवत पुराण या भागवत पुराण में आपका आ जाएगा किक्कट प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं कि झारखंड को ऐतरेय ब्राह्मण में क्या बोला गया है। तो ब्राह्मण जो है वो क्या करेंगे, वो पुण्य काम करेगा, हमेशा जो पूजा पाठ कराते हैं वो लोग पुण्य का काम करते हैं, तो पुण्य से याद करेंगे हम लोग पुण्र या पुण्र, ये दोनों ही है। और ब्राह्मण लोग ही है जो पढ़े लिखे रहेंगे, सबसे पहला उल्लेख इसी के अभिलेख में या इसी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड का सबसे पहला उल्लेख पूछेगा तो ऐतरेय ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण में झारखंड किस नाम से जाना गया है, तो याद कर अच्छा ब्राह्मण पुण्य काम करेगा, मतलब वो पुण्र या पुण्र के नाम से रहेगा। क्लियर हो गया ना, आगे देखते हैं नीचे से हम लोग। झारखंड को समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला गया है, तो दो चीज में ध्यान रखना है। प्रयाग प्रशस्ति मतलब क्या होगा, प्रशस्ति मतलब हो गया अपने जो युद्ध क्षेत्र में वो जीतते थे एक के बाद एक, जब जीत हासिल करते थे, कभी इस राज्य को जीत लिया कभी उस राज्य को जीत लिया, तो जब भी जीत के लिए जाते थे तो क्या हो रहा होगा, घोड़ा वगैरह साथ में लेकर के जाएंगे, और घोड़ा वगैरह जब साथ में लेकर के एक साथ में 50, 100, 1000, 2000 घोड़े जब दौड़ेंगे तो क्या उड़ेगा, धूल उड़ेगा, धूल, है ना, धूल को हम लोग धुंड भी बोलते हैं कि नहीं, धुंड, धुंड भी बोलते हैं। और धुंड से हम लोग याद करेंगे यहाँ पे मुरुंड, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि प्रसाद जैसे ही प्रशस्ति के लिए जाएगा तो धूल उड़ेगा, है ना, तो धूल उड़ेगा तो उसको याद करेंगे हम लोग मुरुंड से। क्लियर हो गया। उसी तरह वायु पुराण में, तो वायु में भी क्या होता है, वायु में ही आपका धूल उड़ेगा, तो वायु पुराण में भी आपका मुरुंड रहेगा और समुद्र गुप्त आपका मुरुंड रहेगा। तो बस यहाँ पे ध्यान रख ले, ये मुरुंड है और ये मुरुंड है, तो ऑप्शन में आपको दोनों तो नहीं मिलेगा, इतना टफ क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं बनाया जाता है। तो दोनों में दिमाग आपको ध्यान रखना, अच्छा प्रयाग प्रशस्ति करने के लिए जा रहा है, अच्छा मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए जा रहा है, मतलब
अपना विजय गाथा गाने जा रहा है, तो उसका मतलब घोड़ा वगैरह चलेगा, धूल उड़ेगा, मतलब मुरंड है ना। और वायु पुराण में क्या होगा, वायु से नाम ही पता चल रहा है, ये आपका रहेगा मुरंड। क्लियर हो गया। अब देखिए, झारखंड को अथर्ववेद में बोला गया है व्रात्य प्रदेश। अब देखिए, व्रात्य प्रदेश मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये व्रात्य मतलब है क्या, मतलब इसका अर्थ ही नहीं पता चल रहा है। अगर किसी को फर्स्ट टाइम में बोलिएगा व्रात्य, बोले क्या बोल रहे हो भाई, है ना। तो व्रात मतलब हो गया अर्थ ही नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो अथर्ववेद है लेकिन उसमें अर्थ ही हमको नहीं पता चल रहा है। क्लियर हो गया। तो अथर्ववेद में ऐसा वर्ड आपका है जिसका अर्थ आपको पता नहीं रहेगा, आपका हो गया व्रात्य प्रदेश। आगे आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड को क्या बोला है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड को हमेशा छोटा नागपुर के नाम से बोला है। आप कैसे याद कर सकते हैं, याद कीजिए सीएनटी एक्ट। तो अंग्रेजों ने ही सीएनटी एक्ट लेकर आया है, तो सीएनटी का मतलब क्या होता है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो छोटा नागपुर नाम से ही पता चल रहा है, तो झारखंड उसने क्या बोला, छोटा नागपुर बोला है। ठीक है, अब हम लोग ऊपर आते हैं वापस से, यहां पे याद करेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आपका रहेगा यहाँ पे किक्कट प्रदेश। ऋग्वेद में आपका रहेगा किक्कट प्रदेश, कहीं कहीं किक्कट दीर्घाई वाला किक्कट लिखा रहता है यहाँ पे, है ना, ऐसे वाला किक्कट लिखा रहता है। तो देखिए, ऋग्वेद में भी आपका किक्कट प्रदेश है और भागवत पुराण में भी आपका किक्कट प्रदेश है। तो इससे भी ध्यान रख लेना है कि भागवत पुराण में आपका जो किक्कट प्रदेश है वो आपका ऋग्वेद में जैसा है वैसा सेम सेम यहाँ पर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग महाभारत में। तो महाभारत में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सिर्फ पूछा जाएगा महाभारत में और एक पूछा जाएगा महाभारत के दिग्विजय पर्व में। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ महाभारत में पूछे तो हम लोग बोलेंगे पशु भूमि। इसको कैसे याद करेंगे, याद कीजिए, जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो पूरा का पूरा इतने लोग मारे गए थे, जैसा लग रहा है कि पशु के जैसा मृत्यु हो गया था सब लोगों का, भूमि में सबको पड़े हुए थे। पशु जैसे भूमि में पड़े रहते हैं वैसे आदमी लोग पड़े हुए थे, इतना बड़ा विध्वंस हुआ था वहां पे। तो महाभारत में क्या याद करेंगे हम लोग, पशु भूमि याद करेंगे महाभारत में। उसके बाद महाभारत के दिग्विजय पर्व में याद करेंगे पुंडरीक याद करेंगे। तो पुंडरीक याद करेंगे, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो हमारा फणी मुकुट राय था, वो पुंडरीक नाग जब बनारस से झारखंड आता है तो सुतियांबे में उसकी वाइफ जो रहती है प्रेग्नेंट रहती है, उसी के बाद से ही फणी मुकुट का उद्भव बताया जाता है। कहीं कहीं बताया जाता है कि उनको पेड़ के नीचे से मिला है। तो हम लोग ये वाला याद करके चलेंगे कि जहां पर दिग्विजय पर्व वगैरह का बात होगा तो वहां पे हम लोग पुंडरीक याद कर लेंगे वहां पे। क्लियर हो गया। तो पुंडरीक आपका हो गया और पशु भूमि यहाँ पे हो गया। उसके बाद बात करते हैं टॉलमी। टॉलमी ने मुंडल बोला है। अब देखिए, टॉलमी को हम लोग ऐसे याद कीजिए कि जो टॉलमी थे उनका बाल नहीं था, जिनका बाल नहीं रहता हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मुरला बोलते हैं, मुरला बोलते हैं या मुंडल बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो जो जैसा थे उनको वैसा दिखाई दिया, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो जिस टाइप का आदमी रहता है उसको उस टाइप के आदमी ही मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल बोला है। अब याद करते हैं कि कौटिल्य ने झारखंड को क्या बोला है। हम लोग को पता है कि जो कौटिल्य थे, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं, वो अपने नीति के लिए बहुत फेमस है। चाणक्य नीति, वो ऐसे ऐसे नीति थे उनके पास कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। जिस प्रकार उन्होंने धनानंद का पूरा वंश खत्म कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। क्लियर हो गया। तो कौटिल्य की जो नीति थी, वो उसमें जो नीति थी वो कूट कूट के उसमें भरा हुआ था। कौटिल्य में जो नीति थी वो कूट कूट के भरा हुआ था। तो उससे हम लोग याद करें यहाँ पे कुक्कुट देश। क्लियर हो रहा है। देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊं ना, आपको सारी चीज एकदम फ्रंट में आपको दिखेंगी। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं ह्वेन सांग ने क्या बोला है। देखिए, ह्वेन सॉन्ग में एक वर्ड आ रहा है आपका सॉन्ग। सॉन्ग मतलब क्या होता है, गाना। लेकिन ये ह्वेन सॉन्ग ऐसा सॉन्ग गा रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये कौन सा गाना गा रहे हैं, कौन सा सॉन्ग। ठीक है, तो ह्वेन सॉन्ग ने झारखंड को क्या बोला है, कीलो नासु कीला ना। मतलब इसका क्या मतलब होता है, ऐसा गाना है कि जैसे सारे गांव पादा निशा समय में आ रहा है, जैसे सारे गांव पादा निशा समय में आ रहा है, लेकिन ये किलो नासु काला ना ये क्या चीज है, ये तो समझ में नहीं, ये कौन सा सॉन्ग है भाई, ये ह्वेन सॉन्ग कैसा सॉन्ग गा रहे हैं ये हमको पता नहीं चल रहा है। भले ही हमको कान में सुनने में अच्छा लग रहा है, वो कर्ण सुवर्ण है, ठीक है, किलो ना काला ना, है ना, ये सुनने में ठीक ठाक लग रहा है, कान को बहुत ज्यादा डिफेक्ट नहीं पड़ रहा, कर्ण सुवर्ण है, लेकिन कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो हेन सॉन्ग ऐसा ऑप्शन में रहेगा जो आपको नहीं देखे रहेंगे, है ना, ऐसा सॉन्ग रहेगा, समझ में नहीं आएगा कैसा सॉन्ग गा रहे हैं, और वो सारे गांव पादा निशा नहीं रहेगा, कुछ अलग ही रहेगा, वो किलो ना सु काला ना ऐसे करके कुछ रहेगा, लेकिन कान को वो ठीक लगेगा सुनने में। ठीक है, ये हेन सॉन्ग हो गया। अब आगे याद करते हैं संस्कृत साहित्य में।
तो संस्कृत साहित्य में झारखंड को बोला गया कलिंग देश। हम लोगों को पता है जो हमारा झारखंड है उसके दक्षिण में क्या है, उसके दक्षिण में हमारा उड़ीसा है, और उड़ीसा को पहले क्या बोला जाता था, कलिंग बोला जाता था। आपको याद होगा अशोक वगैरह काल में कलिंग बोला जाता था, अभी भी वहां पे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो उसका मतलब वहां पे कलिंग बोला जाता था। तो कलिंग से नजदीक था इसलिए झारखंड को उस समय कलिंग देश बोला गया है, ठीक है। उड़ीसा के जन्म के समय कलिंग नाम था, तो उसी के रिलेटेड में संस्कृत में उसको बोल दिया गया कि कलिंग देश है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे याद करते हैं, फाहयान के बारे में याद करते हैं। फाहयान ने झारखंड को कुक्कुट लाड बोला है। अब देखिए फाहयान में एक वर्ड है मेरा यहाँ पे, यान। यान मतलब क्या होता है कि आप याद कीजिए, जो पुराने जमाने में हम लोग सीरियल वगैरह देखते थे, विष्णु पुराण हो गया, महाभारत हो गया, तो यान वगैरह किसके पास रहता था। मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई गॉड है, ठीक है, कोई गॉड है यहाँ पे, और कोई यहाँ पे सैनिक वगैरह है, तो यान किसके पास रहेगा, अपना पर्सनल यान किसके पास रहेगा, भगवान के पास रहेगा, मतलब लॉर्ड के पास रहेगा। हम लोग भगवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉर्ड। तो यान से याद करेंगे लॉर्ड यहाँ पे, तो जहां पर यान रहेगा वहां पर देखेंगे अच्छा यान मिला हुआ, अच्छा किसको मिला, तो भगवान को मिले, तो लॉर्ड को मिले, मतलब कुक्कुट लॉर्ड। क्लियर हो गया, ये हम लोग को यहाँ पे याद हो गया। अब आगे देखिए, मुगल काल में ध्यान रखना है कि मुगल काल में हम लोगों को पता है, जब मुगल काल आपका था, मैंने ट्रिक में ही बताया था जो हमारे पेड लेक्चर, उसमें उसमें है आपका है भाजपा सो याद करने के लिए हम बताए थे आपको, बी से था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यही हमारा था दिल्ली सल्तनत का, तो जो मुगल साम्राज्य का था। तो मुगल साम्राज्य में जो अकबर और जहांगीर की जो किताबें थी, अकबर का था आपका आईने अकबरी और उसका बेटा का था तुजुके जहांगीरी, और मुगल काल, ये तीनों में ही झारखंड को खुखरा खोखरा या खोखरा बोला गया है। समझिए, मतलब इतना समझिए कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब भी आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं कौन किसका बेटा है, कौन किसको मारा, एकदम दिमाग खखोर देते हैं हम लोग, ऐसे याद कर सकते हैं ना हम लोग, दिमाग एकदम खुखर देता है, कैसा है ये चैप्टर, एकदम दिमाग खखार देता है एकदम से, ठीक है। तो इससे हम लोग याद करेंगे ये खुखरा है। क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया अभी तक। उसके बाद बात करते हैं, झारखंड को बोला गया है झारखंड, झारखंड को झारखंड ही बोला गया, कहां कहां बोला गया देख लीजिए, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड ही बोला गया है। इसका ये जो प्रमाण है, ये पहला प्रमाण है पुरातात्विक प्रमाण, मतलब आर्कियोलॉजिकल लोगों ने पहली बार इसको निकाला है, कहाँ झारखंड का कहीं नाम लिखा गया, वो कहाँ लिखा गया, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में लिखा गया है। उसके बाद ये सब जितना भी है सारा में झारखंड ही बोला गया है। तारीख ए बंगला हो गया, तारीख ए फिरोजशाही हो गया, दोनों तारीख आया। उसके बाद सियार उल मत खरीन नरसिंह देव के ताम्रपत्र में, तो जहां भी ताम्रपत्र में आएगा झारखंड को झारखंड ही बोला जाएगा। उसके बाद अकबरनामा में, पद्मावत में और कबीर के दोहे में, ये सब में आपको झारखंड का झारखंड ही नाम मिलेगा। तो बाकी सब तो हम लोग ट्रिक से याद कर लिए हैं और इसको भी एक बार हम लोग देख लिए हैं, तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमको पता रहेगा कि ये इसका कोई ट्रिक हम लोग नहीं लगाए, तो जहां पर कोई ट्रिक नहीं लगेगा वहां पर झारखंड को झारखंड ही हम लोग बोलेंगे। पूरी तरह से ये आपका कंप्लीट होता है किसको यहाँ पे क्या बोलते हैं। हार्डली आपको 10 से 12 मिनट लगा होगा, आपको पूरा चीज यहाँ पे याद हो गया। अब चलिए कुछ और चीजें याद करते हैं। संथाल परगना का भी नाम यहाँ पे अलग अलग जगह पे बोला गया है, जैसे संथाल परगना जो प्राचीन समय में था उसको बोला गया था नरीखंड, और यही नरीखंड को बाद में कांकजोल और जंगल तराई हम लोगों ने बोला था, इसको हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे याद हो जाएंगी। उसके बाद हुएनसांग यहाँ पर भी आते हैं, हुएनसांग एक्चुअली राजमहल में ही मीट करते हैं, राजमहल में ही मिलते हैं उस समय के शासक से, तो यहाँ पर भी हुएनसांग है, तो सॉन्ग है इसका मतलब यहाँ पर भी वो गाना गाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा सॉन्ग गाएंगे, ये छोटा सा सॉन्ग गाएंगे, क्योंकि राजमहल जो है वो छोटा सा पार्ट है झारखंड का, यहाँ पे जो सॉन्ग रहेगा छोटा रहेगा। वो सॉन्ग का क्या नाम है, किचिंग काइलो, किचिंग काइलो। ये गाना भी समझ में नहीं आया, हुएनसांग ऐसा गाना गा रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर जो बड़ा लंबा गाना रहेगा वो झारखंड के लिए रहेगा, जो छोटा गाना रहेगा वो हमारे राजमहल के लिए रहेगा, ठीक है। तो राजमहल को हुएनसांग ने किचिंग काइलो बोला है, और अंग्रेजों ने तो हम लोग को पता है ये दामिनी कोह बोला है, और दामिनी कोह हम लोग को पता है कि एक एरिया था जो रिजर्व कर दिया गया था, और इसका सर्वे किया था कैप्टन टैनर ने, किसने किया था, कैप्टन टैनर ने किया था। तो ये हम लोग का पहला लेक्चर खत्म होता है, अगला लेक्चर में हम लोग प्रागैतिहासिक काल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, और आप देखिए कि आपके सारे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे, आपको पूरा चीज याद हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, अब सब क्वेश्चन का जवाब आप खुद देंगे, ना तो मैं यहाँ पे आंसर लिख के रखा हूँ,
और ना ही मेरे पास कोई यहाँ पे आंसर शीट है। आप जो बोलेंगे मैं यहाँ पे टिक करते जाऊंगा, ठीक है? आप अपने मन में बोलिए मैं यहाँ पे टिक करते जाऊंगा। सबसे पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस है मैं सारे किताब से उठाया हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है। तो क्योंकि क्वेश्चन अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है, अगर मार्केट में अच्छी किताब है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन वहां से उठा के लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन मेरे से बन रहे कि नहीं बन रहे। और जितना अब यहाँ पे क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं हम लोग से। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? झारखंड क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे झारखंड में वन और झाड़ियों की बहुलता के कारण है। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आप याद कीजिए, सर्वप्रथम उल्लेख कौन करेगा? ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे हैं, सर्वप्रथम वही लोग उल्लेख करेगा, मतलब ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ था आपका झारखंड प्रदेश का और यहाँ है झारखंड शब्द का। तो हम क्या बोले थे, झारखंड को झारखंड किसने बोला गया है? याद किए, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से स्टार्ट किए थे, जो पहला पुरातात्विक प्रमाण था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र वाला। क्लियर हो गया? आगे देखिए, ऋग्वेद में क्या बोला? अच्छा, ऋग्वेद में क्या बोला गया? ऋग्वेद में वही बोला गया जो भागवत पुराण में बोला गया था, मतलब किक्कट प्रदेश। देखिए किक्कट प्रदेश है कि नहीं ऑप्शन में, आपको सब याद हो रहा होगा। किस वेद में झारखंड को व्रात के नाम से जाना गया? व्रात मतलब वर्ड समझ में नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या है भाई? अर्थ मतलब अथर्ववेद। उसके बाद वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों में से किस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया? ये अगर आप हमारे पेड लेक्चर्स में अगर आप हमारे देखे होंगे, ये तो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में मैं तो लिमिटेड चीजें ही बताऊंगा जो चीजें वहां पे कवर नहीं है या फिर एक्स्ट्रा जो चीजें आपको ध्यान देने योग्य है। लेकिन अगर जो हमारे कोर्सेज किए होंगे, हमारे ऐप में ऑलरेडी पूरे का पूरा डिटेल में कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। जो ये कोर्स लिए उनके लिए एड ऑन हो जाएगा, जो भी एक दो क्वेश्चन छूटते थे वो नहीं छूटेंगे उनसे, ठीक है? तो अगर आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा झारखंड सबसे पहले असुरों का ही प्रवेश हुआ था, ठीक है? तो झारखंड के जनजातियों में सबसे पहले असुरों का प्रवेश हुआ था, उसी का शब्द का प्रयोग हमारे वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है, इसका मतलब हो गया असुर। किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है? सेम युद्ध में जिसमें हमारा जिक्र होगा उसी में बोला जाएगा, मतलब ये बोला जाएगा हमारा जो वैदिक साहित्य था ऋग्वेद में, है ना? ऋग्वेद में ही चर्चा मिलता था। अब क्वेश्चन देखिए, तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? हम बताया था मुगल काल में, ऐसा हम लोगों को चैप्टर एकदम दिमाग खोर देता है ना? तो इसका क्या याद करेंगे? खुखरा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य मतलब चाणक्य नीति के लिए फेमस था, मतलब उसमें एक नीति कूट कूट के भरा हुआ था, मतलब कुकुट। किस ग्रंथ में झारखंड नाम पुंड्र के नाम से किया गया? ये पुंड्र है यहाँ पे, है ना? पुंड्र है, पुंड्र। तो पुण्य काम कौन करेगा? पुण्य काम करेगा आपका ब्राह्मण, मतलब ऐतरेय ब्राह्मण। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? मतलब झारखंड को झारखंड नहीं बोला गया है, किसी दूसरे नाम से बोला गया है। तो देख लेते हैं, अकबरनामा में तो झारखंड को झारखंड बोला है क्योंकि इसका ट्रिक नहीं देखे थे। तारीख है फिरोज शाह, जहां पे तारीख था वही वहां पे झारखंड को झारखंड था, ये भी वही था। कौटिल के अर्थशास्त्र में तो कुक्कुट प्रदेश था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टॉलमी ने झारखंड किस नाम संबोधित किया? टॉलमी कैसा था? उसमें बाल नहीं थे, मतलब मुंडल था, मुरला था वो। इसका आंसर हो जाएगा मुंडल। वायुपुराण मतलब धूल उड़ेगा, है ना? वायु में ही धूल उड़ेगा, मतलब का मुरुंड रहेगा यहाँ पे आंसर, है ना? मुरुंड। कितना आसानी से याद हो रहा आप खुद देख सकते हैं इस चीज को। विष्णु पुराण है, अच्छा विष्णु पुराण का आपको नहीं बताया था ना ट्रिक, वहां पर नोट्स में था लेकिन ट्रिक नहीं बताया था। देखिए यहाँ पे याद कर लीजिए, विष्णु पुराण में क्या था? विष्णु जी का एक तरह से बोलिए कि जैसे भगवान जी रहते हैं उसका बहुत सारा मुंडी रहता है, जैसे ब्रह्मा जी का चार है उसमें से एक काट दिया गया था, बात अलग है फिर, ठीक है? उसी तरह से विष्णु जी का भी मुंडी था, ठीक है? ढेर सारा उनके माथे रहते थे, बहुत सारे बजरंग बली के भी देख सकते हैं, बहुत सारे फोटोज इस तरह रहते हैं, इसी तरह करके बहुत सारे रहते हैं। तो विष्णु पुराण में हम लोग को याद कर लेंगे कि हाँ उनका बहुत सारा माथा था, मतलब बहुत सारा ये था उनके, है ना? बहुत सारे सर थे उनके, तो इसे याद कर लेंगे, बहुत सारे उनके सर थे तो इसे याद कर लेंगे मुंड। फाहयान में क्या याद करेंगे? यान किसको मिलेगा? लॉर्ड को मिलेगा, मतलब कुट लॉर्ड। अच्छा हाँ ठीक है, 15वां नंबर आंसर हो गया। चलिए कितना आसानी से याद हो रहा है आप देखिए, क्वेश्चन आपसे खुद बन रहा है, मैं नहीं बना, आप खुद बना रहे हैं। भागवत पुराण मतलब भाग याद आता है, क्या लेकर? टिकट लेकर। अच्छा किक्कट प्रदेश, कहीं पर भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। छोटानागपुर के नाम से किसको बोला गया था? छोटानागपुर कहाँ बोला गया था, कौन बोला था? छोटानागपुर को मतलब झारखंड को छोटानागपुर बोला था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जैसे CNT एक्ट लागू हुआ था, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, नाम से पता चल रहा है। उसके बाद है कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी यहाँ पे कवर कर लीजिए, कि इतिहासकार एक बुकानन था वो क्या बोला था कि वरारस से लेकर के, बनारस से लेकर के अभी का जो
पूर्वी मतलब झारखंड का जो पठार है वो पूरा का पूरा जो एरिया था वो झारखंड को वर्णित कर दिया था। मतलब झारखंड इतना बड़ा था कि वो बनारस से लेकर के यहाँ तक वर्णित कर दिया था, ठीक है। तो क्योंकि उसमें झारखंड बिहार एक जैसा था तो सब जगह एक जैसा ही था वहां पे, इसलिए वो ऐसा कर दिए होंगे। तो इसका आंसर रहेगा बनारस। तो बनारस मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड जो पठार है वहां तक उन्होंने झारखंड के रूप में उसको वर्णित कर दिया था। सबका अपना अपना वर्णन है। उसके बाद साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, हम लोग को पता है कि ये आया था हम लोग को, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया था विल्किंसनगंज, जिसका नाम बाद में किशुनपुर या फिर उसको रांची के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप साथ में करते जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बीच में था तो उसको छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिलता है? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में बता दिए थे झारखंड को झारखंड के नाम से बोला गया था। महाभारत काल में झारखंड को किस बृहद्रथ सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? ये जो हमारे झारखंड के जीके पढ़े होंगे उनसे उनको पता होगा कि झारखंड जो था कुछ समय के लिए जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था, है ना, जो अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में, अच्छा पर्व आएगा, अगर सिर्फ महाभारत रहता तो हम लोग बोलते कि पशु भूमि होता, लेकिन पशु भूमि यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हम लोग का पुंडरीक, है ना, पर्व वाला भी है तो पुंडरीक यहाँ पे रहेगा, पर्व से ही पुण्य आता है ना। महाभारत में झारखंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? महाभारत में बोल रहा है आप, तो महाभारत में ऐसा लड़ाई हुआ था पशु के जैसे लोग मारे गए थे, मतलब पशु भूमि। अशोक के 13वें शिलालेख के में झारखंड को किस नाम संबोधित किया गया? ये पूरा जग जाहिर है कि अटावी के नाम से अशोक ने बताया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति करेगा जब भी युद्ध करने जाएगा तो धूल वगैरह उड़ेगा, है ना, तो मतलब मुरुंड। यहाँ पे देखिए तारीख है फिरोजशाही, ये सबका कोई ट्रिक नहीं था, तो मतलब जहां पे कोई ट्रिक नहीं, मतलब झारखंड को झारखंड ही बोला गया होगा। और इस तरह भी याद कर सकते हैं, जहां भी तारीख नहीं आएगा वहां पे झारखंड को झारखंड ही बोला जाएगा। तो तारीख है फिरोजशाही में झारखंड, तारीख है बंगला में झारखंड, सियार उल मुख्तरीन का कोई ट्रिक याद नहीं किए थे, मतलब इसमें भी झारखंड, ठीक है। ह्वेन सांग ने, ये ह्वेन सांग होगा, ह्वेन सांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो हम बताए थे कि वो गाना गाएगा, लेकिन यहाँ झारखंड के लिए है तो लंबा गाना होगा, ठीक है, काने कान को सुनने में स्वर्ण लगेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। किलो ना सुकाला ना, समझ में नहीं आ रहा लेकिन अच्छा लग रहा है, ठीक कुछ तो बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मलिक मोहम्मद जायसी, इसका भी कोई ट्रिक हम लोग याद नहीं किए थे, ठीक है, के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, तो इसी में झारखंड का, झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। जो भक्ति दोहे थे किसके, कबीर दास के जो भक्ति दोहे थे उसमें भी झारखंड का जिक्र मिलता है, ट्रिक में भी बताए थे। उसके बाद मुगल शासन के दौरान, तो हम क्या बोले थे, मुगल जहां पे रहे एकदम दिमाग खुखर देगा, ठीक है, तो खुखरा भी होगा और खुखरा भी होगा, ठीक है, यहाँ पे खा होगा खुखरा, तो उपरोक्त तो दोनों यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिए आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है? तो आईने अकबरी में, अच्छा हाँ इसका ट्रिक देखे थे, आईने अकबरी का देखे थे, तो इसका नाम क्या रहेगा, खुखरा और खुखंखरा, तो उपरोक्त दोनों आंसर रहेगा। मतलब जहां पर भी ऑप्शन आपको लगे कि खोखरा खोखरा से रिलेटेड रहेगा वो सारा ऑप्शन आपको मार देना है मुगल शासन से रिलेटेड में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांकजोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से कौन था हमारा, वो था हमारा संथाल परगना। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हम लोग को पता है झारखंड में इतनी सारी जनजातियां हैं कि ऐसा जनजाति वाला बहुल क्षेत्र कोई नहीं है, है ना, तो जनजातियों का अधिकता कारण इसको कर्क खंड या कर्क क्षेत्र बोला जाता है। कर्ण सुवर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर को, छोटा नागपुर को झारखंड बोला जाता है ना, कर्ण सुवर्ण झारखंड को ही बोला जाता था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में क्या बताए थे, कलिंद, क्यों, क्योंकि हमारा जो उड़ीसा था उड़ीसा को कलिंद बोला जाता है, उससे सटा हमारा झारखंड है उसको बोला जाता कलिंद देश। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला था झारखंड को, छोटा नागपुर बोला था। ह्वेन सांग ने राजमहल को क्या बोला था, तो जहां पर ह्वेन सांग है मतलब वो गाना गाएंगे, ठीक है, लेकिन वो गाना राजमहल के लिए रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब किचिंग लाई रहेगा यहाँ पे, है ना, किचिंग लाई काइलो ये वाला रहेगा, और ये वाला रहता तो ये वाला आपका रहता झारखंड के लिए। इसमें से किसके सर्वेक्षण पर 1824 में दामिनी कोह का सीमांकन, मतलब इसमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिनी कोह का सीमांकन प्रारंभ किया गया? कैप्टन टैनर तो आपको बताए थे, इसके साथ में एक और थे, उसका नाम था पेटी वार्ड, है ना, पेटी वार्ड। जॉन कैप्टन पेटी वार्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के अनुसार से किस वर्ष दामिनी को की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से हो गया था और कंप्लीशन हो गया था, है ना, स्टार्टिंग हुआ था 1824 में, लेकिन कंप्लीट हुआ था आपका 1832 में, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लीजिए इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर का शब्द का प्रयोग किया था? यही चुटिया नागपुर बाद में
चुटिया नाग, और बाद में फिर छोटा छोटा नागपुर, फिर जाकर छोटा नागपुर बाद में हुआ, ठीक है। तो ये बोला था जे एच हैबिट ने, इसका हैबिटे था, इसका हैबिट था नाम चेंज करना, इसका हैबिट क्या था, नाम चेंज करना। तो चुटिया नागपुर को नाम चेंज कर दिया, छोटा नागपुर बाद में हम लोग इसको कहने जाने लगे। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब किया गया था, ये शुरुआत में रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये 1834 में हुआ था। 1834 में जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी था उसका मुख्यालय कहाँ था, विल्किंसनगंज, जो बाद में जाकर किशुनपुर और रांची का नाम दिया गया। विल्किंसनगंज का अन्य क्या नाम था, किशुनपुर। किशुनपुर का नया नाम क्या है, रांची। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। टॉलमी ने जो झारखंड को, टॉलमी ने क्या बोला था, मुंडन बोला था। इसने खरसावा को क्या बोला, खरसावा को उसने बोला करतानिया। इसको कैसे याद कर सकते, देखिए खरसावा जो है हम लोगों को पता है कि वो सराय किला खरसावा वाला एरिया है, मतलब वहां पे छऊ नृत्य रहेगा, और छऊ नृत्य रहेगा मतलब वहां पे जो मूड रहेगा वो सांस्कृतिक धार्मिक काम के लिए रहेगा, मतलब कीर्तन वगैरह का रहेगा, है ना, तो कीर्तन वगैरह रहेगा, तो यहां से याद कर लेंगे करतानिया, क्लियर हो गया। इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तराई के नाम से जाना जाता था, हम लोग बताए थे संथाल परगना पहले बोला जाता था नरीखंड, और बाद में जंगल तराई के नाम से इसको बोला गया। टॉलमी ने खरसावा के लिए निम्न में किस शब्द का प्रयोग किया है, करतानिया के लिए बता दिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया दोनों। जंगल तराई के नाम से कौन प्रसिद्ध था, ये छोटना संथाल परगना, ठीक है। तो आप बताइए जितना आप पढ़े हैं उससे सारे क्वेश्चन तो बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो रिलेटेड था उससे सारे, आपको कंफ्यूजन तो कहीं नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा क्रैश कोर्स का सीरीज रहेगा, ऐसा ही टफ टफ पोर्शन मैं लेकर के आऊंगा और इतना आसान बना दूंगा कि आपको लगे कि कितना आसान भी हो सकता था क्या। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपको अपने अनुसार से भी आपको टॉपिक देना है तो जरूर टॉपिक को इंक्लूड कीजिए, और मुझे जैसा टॉपिक मिलते जाएगा मैं वहां पर ना 1 2 3 4 पूरा सीरीज ही मैं बना दूंगा, जैसे झारखंड ज्योग्राफी का सीरीज था वैसे मैं इसका सीरीज पूरा बना दूंगा, साथ में मैं एमसीक्यू भी डिस्कस करूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आपका क्रैश कोर्स के लेक्चर में, कोई भी फीडबैक होगा सही गलत आप जरूर कमेंट करें, अच्छा लिखिएगा तो मुझे और मोटिवेशन आएगा, अगर कुछ मेरे से गलती या त्रुटि हो गया होगा तो उसको भी लिखिएगा तो हम उसको सुधारेंगे अगले क्लास में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।